आप देख रहे हैं न्यूज 13 नेक विचार, हमेशा सच के साथ। मलाड के अक्सा बीच पर छठ पूजा मनाने के लिए लोगों का जनसैलाब उमड़ पड़ा। आप देख सकते हैं बीच पर कितनी बड़ी तादाद में लोग मौजूद है। प्रशासन पूरी तरह से यहां पर बंदोबस्त में लगे हुए हैं। किसी भी तरह की कोई गलती नहीं होनी चाहिए, इसलिए जगह जगह पर पुलिसकर्मी और आदि लोग मौजूद हैं। आप देख सकते हैं किस तरह से बड़ी तादाद में लोग यहाँ पर छठ पूजा मनाने आए हुए हैं। देखिए न्यूज 13 के साथ अतिल्ला मनिहार की रिपोर्ट। मौजूद है यहाँ, बच्चों से पूछेंगे कि बेटा ये छठ पूजा जो है यहाँ पर कैसा लग रहा है आपको? अच्छा, बढ़िया, मजा आ रहा है एकदम। हाँ। आपने क्या क्या किया यहाँ पर? भैया की तरफ से 40 रुपए का आशीर्वाद है। बोलो क्या क्या किया आपने यहाँ पर? कोई बात नहीं। तो यहाँ पे बच्चों में एक अलग सा उत्सव का माहौल है, छोटे छोटे बच्चे यहाँ पर, छठ पूजा का माहौल है यहाँ पर। आप लोग यहाँ सब छठ पूजा को सेलिब्रेट करने के लिए आए हैं, तो कैसा लग रहा है आपको यहाँ पर? हमें तो बहुत अच्छा लग रहा है, हमारा बहुत बड़ा पर्व है ये, हमको बहुत अच्छा लग रहा है। आप यहाँ पे आए हो, आपको कैसा लग रहा है यहाँ पे? आप लोग छठ पूजा के लिए आए हो यहाँ पे, यहाँ का माहौल आपको कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है, काफी बहुत अच्छा है। तो आप कहाँ से हो? हम बनारस से। परिवार है यहाँ पर, माता जी कैसा लग रहा है आपको यहाँ पर त्योहार मनाने आए आप? बहुत अच्छा लग रहा है। और क्या कहेंगे यहाँ के लिए आप? यहाँ पे जो भी इंतजाम है वो अच्छे से हुआ है। ये हमारे साथ में बड़ी माता जी बैठी हैं, यहाँ पर इनसे हम पूछेंगे कि जो ये त्योहार का माहौल है, इसमें खुशियाँ किस तरह से मनाई जा रही है आपकी? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा से मनाया जा रहा है इधर, बहुत अच्छा लग रहा है। पुलिस प्रशासन का जो सहायता है उसके लिए कुछ कहेंगे आप? हाँ नहीं, सहायता ठीक है, वो तो त्योहार का उत्सव है तो बहुत गर्दी है, वो लोग व्यवस्था कर रहे हैं अच्छे से, इसमें कोई बात नहीं है। यहाँ आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। पूजा क्या बेनिफिट से मतलब हस्बैंड्स के लिए और बच्चों के लिए, सन्स लोग के लिए रखा जाता है। तो ये कब तक चलेगा? ये मॉर्निंग में भी चलेगा, मॉर्निंग में सूरज का पूजा होएगा। कितने बजे तक के? करीब 8 बजे तक होता है और उसके बाद सब खाली हो जाता है, क्राउड खत्म हो जाएगा 10 बजे तक। तो आप देख सकते हैं कि ये पूजा सुबह मॉर्निंग तक चलेगी। और हम और किसी से जानना चाहते हैं कि और क्या क्या होता है, जैसे कि क्या होता है? बहुत सारा बेनिफिट होता है। और मैं अपना पर्सनली बोल रहा हूँ क्योंकि मैं अभी 4 साल बाद फॉरेन कंट्री से आया हूँ, ठीक है। मैं दुबई में काम करता हूँ, लेकिन मेरे को बहुत अच्छा लगता है, जब भी आना चाहता हूँ तो मैं इधर इमरजेंसी छुट्टी लेके आया स्पेशली इसके लिए। तो यहाँ कहाँ कहाँ से पब्लिक आई है? पूरा आप समझ जाओ कि पूरा इंडिया के कोने कोने से लोग इधर आता है, जैसे यूपी, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, हर जगह से। तो आप देख सकते हैं कि दूर दराज से पब्लिक यहाँ पर आई है, यूपी से, बिहार से, झारखंड से, हर जगह से आई है।